आज हम जा रहे हैं पंचाचुली बेस कैंप रोडोडेंड्रॉन एंथोपोगोन की स्टडी के लिए। और ये अभी हम निकल रहे हैं दुक्तू गांव से। काफ़ी सुंदर सा गांव है ये, और इसके पीछे जो ये हिमालयन रीजन है इसमें लगभग बर्फ गिर चुकी है। तो आप साथ में चलोगे, कोई साथ में चलेगा? हाँ, यहाँ से गाइड जाएंगे। उनके अलग से पैसे होंगे, 1500। तो गाइड, हम लोगों ने पंचाचुली में रोडोडेंड्रॉन एंथोपोगोन का सीड कलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर इस जगह को जीरो पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये मेरे साथ एज ए गाइड दुक्ताल जी हैं। दुक्ताल जी, ये अभी मेंशन भी करेंगे पंचाचुली का, और ये बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ की व्यूज, क्योंकि ये लोकल से हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रकाश दुक्ताल, दारमा वैली पंचाचुली दुक्तू से। अभी हम आए हैं बिल्कुल पंचाचुली। आज मेरे पीछे देख सकते हो, देख पंचाचुली जिसमें बर्फ है 5 के 5, जो पर्वत है इनकी श्रृंखला बनी होती है, तो इसीलिए हम पंचाचुली कहते हैं। पंचाचुली यानी कि ऐसे, ये पांच जैसा हमारे हथेली है इसी टाइप का ये भी है, ठीक। तो इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं अभी कहीं हाइट में हूँ, दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये पंचाचुली का। और यहाँ पे देखने को एक्चुअल में बहुत कुछ है, बट फेमस है पंचाचुली। तो अगर चारों ओर बर्फ है यहाँ पे, उसके बाद मैं ये दिखा रहा हूँ आपको जो पंचाचुली से जो दिखता है व्यू, सारे दिखा रहा हूँ। देखो ये पेड़ पौधे, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ भोजपत्र वाले पेड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सीधा पंचाचुली की ओर चला गया मैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद जो ये दिखा रहा हूँ गब्बे बुग्याला, यहाँ पे इस ये वाले पंचाचुली के बगल में बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, ठीक, यहाँ पे जो बहुत कम लोग जाते हैं। उसके बाद जो ये अभी हम आए हैं जहाँ पर मैं हूँ अभी, वो शंगुट्टी का जो दार है यानी कि जो टॉप है शंगुट्टी का, मैं वहाँ पे अभी खड़ा हूँ, वहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं आपको ये। सो गाइस, देखिए बड़ा अच्छा दिन रहा है आज का हमारा। और दुक्ताल जी जो कि एक बहुत अच्छे गाइड हैं, वैसे इनका रेस्टोरेंट है यहाँ पर, होम स्टे है, और एक बिजनेस पर्सन यहाँ के हैं ये, तो बड़ा अच्छा गाइडिंग इनने किया है। और जैसे कि अभी हम दिखा रहे थे आपको वीडियो में, इनने ही उस पर जो है बातें बताई हैं। और दूसरा, इस जंगल की सौम्यता, जैसे हम अभी वापस पहुँचने वाले हैं तो सुंदर सा जंगल का रास्ता भी हमारा पूरा होने वाला है, तो थोड़ी ही देर बाद में हमें दुक्तू गांव जो है यहाँ से दिखाई पड़ेगा। तो तब तक के लिए, जब तक कि हमें दुक्तू नहीं पहुँचते हैं, तब तक जो है थोड़ा सा जानकारी और लेते हैं यहाँ से दुक्ताल जी से। दुक्ताल जी, तो हम ये जंगल बचने का मुख्य कारण क्या है कि हम लोग ये जो लकड़ी है नहीं काटते हैं, जंगल का मतलब दोहन नहीं करते हैं। अच्छा, ये एक प्रोटोकॉल रहता है कि जी, हम जंगल से लकड़ी नहीं लाएंगे। वो ला सकते हैं कि जो सूखे गिरे होते हैं वो ला सकते हैं, लेकिन जो उग रहे छोटे छोटे पेड़ या बड़े पेड़ जो गीले हैं वो हम नहीं काटते हैं। अच्छा, इसीलिए जो हमारा ये जंगल है इतने घना हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, ये है इसका मेन, ये है मतलब पूरे गांव वालों का इसमें सपोर्ट रहा है कि उनने मतलब स्वेच्छा से यहाँ पर जंगल का दोहन नहीं किया, जिस कारण ये बचा हुआ है। यही बात है, पूरा जो हमारा जो गांव है, हाँ, सबका सपोर्ट रहता है इसमें। हमारी पंचायत होती है, उसमें हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हम अब हमारा ये जो गांव है, जो हमारा ये जंगल है, इसी के वजह से हमारा गांव अच्छा लगता है। तो वही बात है ना कि शरीर में कपड़ा नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता इंसान को, तो उसी टाइप का ये जंगल है। जंगल इसीलिए होता है कि पेड़ पौधे होंगे, तो अगर पेड़ पौधे ना हो तो फिर जंगल कहाँ का, क्या क्या जंगल हुआ वो जी, इसीलिए इसका हम दोहन नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक आध चीज़ें थोड़ा सा यहाँ का, जैसे लोकल की है ना, जो डिशेस हैं यहाँ की, डिश होती हैं कुछ विशेष, लाइक जैसे पतीउड़ा है या सूखा मीट। अब यहाँ का विशेष जो डिश है और फेस्टिवल है, यहाँ कुछ त्यौहार बनते होंगे? त्यौहार तो सबका सेम है जो इंडिया में होता है, मैक्सिमम मिनिमम वही होता है, होली दीपावली वगैरह वगैरह सब। अच्छा, वही सेम है। अच्छा, त्यौहार वही है। और घी त्यौहार होता है, वो भी होता, हाँ, है, वो होता है। जो हमारी कम्युनिटी है रंग कम्युनिटी, तो हमारे तो सब सेम होते हैं। अच्छा, हमारे जो रंग कम्युनिटी है उसमें रहन सहन हमारा डिफरेंट रहता है, ये बात तो है। अच्छा,
ये बात तो 100% है। तो क्या होता है हमारे खान पान पे डिपेंड रहते हैं। नहीं खाने का देखिए जैसे कुछ कहीं की विशेष डिश होती है ना, तो हमारे वहाँ क्या है कि कुट्टू होता है। अच्छा कुट्टू, हाँ जो मैंने आपको अच्छा अच्छा जो नाश्ते में दिए थे आपने खाए थे बड़े चाव से, बहुत शायद आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत बढ़िया लगा था। तो वो हमारा सबसे बेस्ट है यहाँ का। उसके बाद और होता है बहुत कुछ, लेकिन वो मैं आपको नहीं खिला पाया इस बार। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं आपको भी खिलाऊंगा जी। तो ठीक है, अब इसी के साथ हम पहुंचने वाले हैं जस्ट दुक्तू गांव में। तो वहां से बोलिए, और मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो दुक्तू के लिए तो मैं नंबर देता हूँ अपना, 9456364427। मेरा नाम है प्रकाश सिंह दुक्ताल जी। कभी भी आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर है। अगर कॉलिंग करना चाहते हो तो वो भी नंबर मैं दे देता हूँ, ठीक है निकी जी? बिल्कुल बिल्कुल, 9997107772 ये यूनिक नंबर है। हाँ, तो इस पे कॉल करो गाइस। जब भी मेरे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी आप लोग यहाँ पंचाचूली के लिए आए दुक्तू आए, तो हमारे जो प्रकाश जी हैं दुक्ताल जी, इनसे संपर्क करिएगा। काफ़ी हेल्पफुल जो है इंसान है ये, और बहुत अच्छी गाइडिंग इनने की है। सब कुछ हमें बताया मॉर्निंग से, और मैं जिस पर्पज के लिए आया था रिसर्च के लिए, क्योंकि नए जगह में थोड़ा हमें दिक्कत होती है रिसर्च करने में, तो इनकी वजह से रिसर्च जो जिसमें कि मेरा 2-3 दिन लग जाता, इन्हें 3-4 घंटे में उस रिसर्च का जो भी मेरा कंटेंट था या काम था वो कंप्लीट कराया है। तो इसके लिए धन्यवाद भी हम इनको कहेंगे। और गाइज आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि जब भी इस साइड को आओ तो प्रकाश भाई से ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।